प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोगीबील में ब्रह्मपुत्र नदी पर देश के सबसे लंबे रेल और सड़क सेतु को राष्ट्र को किया समर्पित। इस पुल से असम और अरुणाचल प्रदेश की सैकड़ों किलोमीटर की दूरी होगी कम। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 16 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। इस्लामिक स्टेट के मॉड्यूल हजरत उल अहदीन इस्लाम के मामले में अमरोहा में 3 संदिग्धों से की जा रही है पूछताछ। आगरा के चर्चित संजरी हत्याकांड के मामले का खुलासा। पुलिस ने वारदात में शामिल 2 सगे संबंधियों को किया गिरफ्तार। और सिनेमा स्टार चित्रांगदा के पति इंटरनेशनल गोल्फ शूटर ज्योति सिंह रंधावा बहराइच के कतरनिया वन क्षेत्र में जंगली जानवरों का शिकार करते हुए गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बोगीबील में ब्रह्मपुत्र नदी पर देश के सबसे लंबे रेल और सड़क सेतु को राष्ट्र को समर्पित किया। असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने वाला यह सेतु पूर्वोत्तर के लिए बहुत खास तोहफा है। इस पुल की आधारशिला पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 2002 में रखी थी और कल अटल जी के जन्मदिन पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सेतु राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सेतु मार्ग से होकर गुजरने वाली पहली यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस सेतु रेलवे मार्ग से 705 किलोमीटर और सड़क मार्ग से 150 किलोमीटर की दूरी को कम करते हुए डिब्रूगढ़ से नहरलागुन तक सीधा संपर्क स्थापित होगा। पूरा हुआ, ब्रह्मपुत्र के 2 छोरों की दूरी कम हुई। ये है भारत की इंजीनियरिंग का नायाब नमूना। 25 दिसंबर 2018 उत्तर पूर्व के राज्य असम और अरुणाचल के लिए एक ऐतिहासिक दिन। दोनों ही राज्यों के लिए प्रधानमंत्री खुद एक तोहफा लेकर पहुंचे। ये है बोगीबील पुल, जिसने डिब्रूगढ़ और धीमाजी को आपस में जोड़ दिया। ये देश का सबसे लंबा रेल रोड पुल है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक पल को लोगों के साथ साझा किया। उन्होंने पटरी पर दौड़ने वाली पहली ट्रेन के यात्रियों का अभिवादन किया, बेसब्री से इंतजार करती भीड़ का अभिनंदन चहलकदमी कर स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को इस मौके पर याद किया और कहा कि अगर पिछली सरकारें संवेदनशील होती तो लोगों को इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। सच्चाई यही है कि इसका निर्माण अटल जी के अथक प्रयासों से ही शुरू हो पाया, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि साल 2004 में अटल जी की सरकार चली गई और उनके शुरू किए गए तमाम प्रोजेक्ट की तरह ही नॉर्थ ईस्ट की एक संपूर्ण महत्वपूर्ण परियोजना भी लटक गई, अटक गई। स्थिति ये थी कि जब 2014 में हमारी सरकार आई तो इस पुल का आधा काम आधे से भी ज्यादा अधूरा पड़ा था, बाकी पड़ा। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर अटल जी की सरकार को फिर अवसर मिलता तो 2007-08 तक इस ब्रिज का लोकार्पण हो जाता। डिब्रूगढ़ छोर से धीमाजी तक 4.94 किलोमीटर की दूरी प्रधानमंत्री ने सड़क मार्ग से तय की। ब्रह्मपुत्र के उत्तरी छोर पर बसे असम के ही जिले धीमाजी तक जाना पहले आसान नहीं था। इससे पहले रेलवे पुल डिब्रूगढ़ से तकरीबन 450 किलोमीटर दूर गुवाहाटी में मौजूद था, साथ ही सड़क पुल यहां से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर। ऐसे में प्रधानमंत्री ने धीमाजी में जनसभा मंच से इस रेल रोड ब्रिज का लोकार्पण किया, साथ ही तिनसुकिया से अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन तक चलने वाली रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि ये पुल लोगों के लिए एक जीवन रेखा बनकर सेवा देगा। ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है बल्कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को जोड़ने वाली लाइफलाइन है। इससे असम और अरुणाचल के बीच की दूरी सिमट गई है। ब्रह्मपुत्र जलस्तर से 32 मीटर की ऊंचाई पर बने इस पुल में कुल 42 डबल डी वेल फाउंडेशन खंभों का इस्तेमाल हुआ है। लोगों के लिए खुल जाने के बाद अब डिब्रूगढ़ से धीमाजी जाने के लिए 700 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी, साथ ही खतरनाक तरीके से नदी को नाव के जरिए पार करने से भी मुक्ति मिलेगी। जब नदी था उस टाइम में हम लोग का बहुत
दिक्कत होता था, जैसे पेशेंट लोग को लेने टाइम में थोड़ा देरी हो जाता था, मेडिकल पहुंचने में देरी होता था। अभी थोड़ा हम लोग के लिए वही फैसिलिटीज है, मतलब अभी जल्दी पहुंच सकेगा मेडिकल। वो नदी पार होने के लिए बोट से जाता था, आदमी लोग डरता था, आना जाना करने के लिए मुश्किल था, अभी तो सुविधा हो गया। ये पृथ्वी बहुत छोटी हो जा रही है, तो ऐसे ही एक बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है हमारी सरकार ने। इसके अलावा भारत की सामरिक दृष्टि से चीन से लगती हुई सीमा की निगहबानी को भी मजबूती मिलेगी। अपने कार्य आरंभ से 16 साल बाद बनकर तैयार हुए इस पुल को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन का एक खास उपहार माना जा रहा है, साथ ही न्यू इंडिया की इसमें एक झलक भी है। भारत की सबसे लंबी और पूर्णतः वेल्डेड ये ब्रिज पूर्वोत्तर राज्यों के विकास का नया चेहरा है। एनआईए ने इस्लामिक स्टेट के मॉड्यूल हरकतुल हरबे इस्लाम के मामले में दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 16 जगहों पर छापेमारी जारी है। छापेमारी में एनआईए के साथ राज्य पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। अमरोहा जिले में नुगावा सदावा के गांव सैदपुर इम्मा गांव के 3 सगे भाइयों के आतंकी संगठन से जुड़े होने के शक में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एटीएस उसके घर पर ही पूछताछ कर रही है। इस गांव के मोहम्मद सईद के 3 बेटों अनीस, इदरीस और नफीस पर 3 माह पहले डीएनएस कॉलेज के छात्रों द्वारा आतंकी जमशेद को पिस्टल बेचने वाले मामले में के बाद से 3 भाइयों पर नजर थी। मामले को जाकिर मूसा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में कल संशोधित 3 तलाक बिल पर चर्चा होगी। एक साथ 3 तलाक को अपराध घोषित करने वाला बिल वर्तमान में लागू अध्यादेश की जगह लेगा। भाजपा ने लोकसभा में अपने सदस्यों को मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। 3 तलाक विधेयक पहले लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में यह पारित नहीं हो सका था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी 3 तलाक के मामलों को देखते हुए सरकार सख्त प्रावधान वाला अध्यादेश 19 सितंबर को लेकर आई, क्योंकि उस समय संसद की कार्यवाही नहीं चल रही थी। इन संशोधनों को स्थायी कानून बनाने के लिए सरकार नए सिरे से विधेयक लेकर आई है। आगरा पुलिस ने छात्रा हत्याकांड का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि संजली के ताऊ के बेटे योगेश ने दिया था। इस वारदात में उसके साथ उसका ममेरा भाई विजय और उसकी बहन का देवर आकाश भी शामिल था। विजय और आकाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि योगेश ने पहले ही जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। गौरतलब है कि 10वीं की छात्रा संजली को दिन दहाड़े पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया गया था, जिसके बाद उसकी इलाज के दौरान उसकी सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी। 18 तारीख को एक बच्ची के साथ घटना हुई थी, उसमें कुल 3 लोग शामिल थे, जिसमें से एक व्यक्ति के द्वारा जो मुख्य अभियुक्त था 20 तारीख को विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली गई थी। ऐसे में ये गुत्थी उलझ गई थी, हमको तलाश करनी थी उन व्यक्तियों की जो उस व्यक्ति के साथ शामिल हों। कल महत्वपूर्ण सुराग ढूंढते हुए पुलिस टीम ने जब इन दोनों को गिरफ्तार किया तो इनके द्वारा पूरा घटनाक्रम बता दिया गया। इन अभियुक्तों द्वारा लगातार कपड़े, जूते, बाइक, हेलमेट बीच बीच में अदले बदले गए, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो, लेकिन जो इन्होंने बयान दिए उससे सारे की सारा सीक्वेंस एकदम 100% एकदम नीटली एस्टेब्लिश हो गया है। अब उसको केस डायरी का पार्ट बनाएंगे, सारे एविडेंसेस को लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इनको कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए। बहराइच के कतरनिया वन प्रभाग रेंज में सिनेमा स्टार चित्रांगदा के पति इंटरनेशनल गोल्फ शूटर ज्योति सिंह रंधावा जंगली जानवरों का शिकार करते हुए गिरफ्तार किए गए। रंधावा 3 दिनों से जंगल में सैर कर रहे थे। वनाधिकारी जेपी सिंह और रेंजर कतरनिया को जब सूचना मिली तो उन्होंने हरियाणा नंबर की फर्राटे भर्ती गाड़ी को रोका और जंगली जीवों के साथ पकड़ा, जिसमें आपत्तिजनक वस्तुओं के साथ गिरफ्तार कर मोतीपुर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। दुधवा के फील्ड डायरेक्टर रमेश पांडे के मुताबिक दुधवा टाइगर रिजर्व के कतरनिया घाट में बुधवार सुबह गोल्फर ज्योति सिंह रंधावा शिकार करते हुए देखे गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। रंधावा के कब्जे से एक जंगली मुर्गी की खाल, .22 राइफल ब्लेसर जर्मनी, 3 खाली कारतूस व 80 जिंदा कारतूस, 1 मैगजीन, बैनाकुलर HD दूरबीन, रेंज फाइटर, 2 मोबाइल सर्च लाइट टॉर्च व 36,600 भारतीय रुपए बरामद किए गए। इसके अलावा उनके पास से उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बरामद किया गया, जिससे उनकी पहचान हो सकी। इस जगह पर रंधावा की गिरफ्तारी हुई है। वह दुधवा टाइगर रिजर्व के कतरनिया घाट वन्य जीव विहार का क्षेत्र है।
पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनके स्मृति स्थल सदैव अटल को देश को समर्पित किया गया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पीले पात कोयल की कोक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। सदैव अटल स्मृति स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अमर कविताओं की छाप चारों ओर दिखी। आज भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिन है। ये देश अटल जी के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 94वीं जयंती और देश अपने जन नेता को श्रद्धांजलि देने सदैव अटल स्थल पहुंचा। जनसंघ की स्थापना से लेकर देश के 10वें प्रधानमंत्री बनने तक के सफर में वाजपेयी जी की कलम, उनका संघर्ष और उनकी आवाज जन सामान्य के लिए बनी रही। चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल जी की वाणी वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टियों की आवाज नहीं बनी थी। अटल जी बोल रहे हैं मतलब देश बोल रहा है, अटल जी बोल रहे हैं मतलब देश सुन रहा है, अटल जी बोल रहे हैं मतलब अपनी भावनाओं को नहीं देश के जन जन की भावनाओं को समेट कर उसको अभिव्यक्ति दे रहे हैं। अपने 5 दशक के लंबे राजनीतिक सफर में अटल जी की पहचान अजात शत्रु की रही। वे हमेशा पक्ष विपक्ष, सहमति असहमति से ऊपर बने रहे और अटल जी सभी के दिलों में अपनी अमिट छाप को छोड़ने में सफल रहे। न सांप्रदायिक आधार पर, न जाति आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। और जब देश हित की जरूरत, लोकतंत्र बड़ा कि मेरा संगठन बड़ा, लोकतंत्र बड़ा कि मेरा दल बड़ा, लोकतंत्र बड़ा कि मेरा नेतृत्व बड़ा, इसका जब कसौटी का समय आया तो ये दीर्घदृष्टा नेतृत्व का सामर्थ्य था, उसने लोकतंत्र को प्राथमिकता दी, दल को आहूत कर दिया। एक कुशल राजनीतिज्ञ, एक कवि, एक पत्रकार और एक प्रखर वक्ता, पूर्व प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के कई पहलू थे जिन्हें देश ने उनके लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान देखा और महसूस किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ को 161 करोड़ से अधिक लागत की 576 परियोजनाओं का तोहफा दिया। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लखनऊ अगले 5 वर्षों में देश का सबसे खूबसूरत शहर बनेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अटल जी जैसा नेता शायद भविष्य में कभी न मिले। उनकी कूटनीति और राजनीति दोनों देश के लिए थी। कारगिल का पहला ऐसा युद्ध उनके नेतृत्व में लड़ा गया जिसकी निंदा किसी भी देश ने नहीं की। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हर युद्ध को लेकर कोई न कोई दुनिया में कुछ देश उसके पक्ष में होते थे, कुछ प्रतिपक्ष में होते थे कि भारत की गलती है, पाकिस्तान की गलती है, तरह तरह के विवाद हुआ करते। लेकिन जो कारगिल का युद्ध प्रति अटल बिहारी वाजपेयी जी के रहते हुए हुआ है, मेरे बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया के किसी देश ने भी भारत के ऊपर उंगली नहीं उठाई है, भारत के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया है। ऐसा वो युद्ध था। इसीलिए मैं कहता हूं कि कारगिल के युद्ध के बारे में भी कहना हो यह कहा जा सकता है कि प्रति अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत की एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने की युद्ध के मैदान में भी विजय प्राप्त की और कूटनीति के मैदान में भी विजय प्राप्त की। एक ऐसी शख्सियत थे अटल बिहारी वाजपेयी।
अटल जी चाहते थे कि लखनऊ का विकास हो और उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में बड़ा काम किया। मैं उसी काम को आगे बढ़ा रहा हूं। गृहमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में 576 कामों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। लखनऊ शहर में 3 ओवर ब्रिज में काम शुरू हो चुका है और 2 ओवर ब्रिज का फरवरी में शिलान्यास किया जाएगा। वहीं 104 किलोमीटर की 8 लेन की लखनऊ रिंग रोड लखनऊ को नया लखनऊ बनाएगी। गोमती नगर रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है तो चारबाग समेत छोटे स्टेशनों को भी बेहतर किया जा रहा है। और यह भी कहना चाहता हूं कि इस समय जो 3 फ्लाईओवर का काम शुरू हो गया है धीरे धीरे, शुरू हो गया है लेकिन एक योजना हमारी और है, फरवरी के महीने में 2 फ्लाईओवर का शिलान्यास और हो जाएगा। यहां 5 फ्लाईओवर को सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी है। 105 किलोमीटर चारों तरफ लखनऊ के 8 लेन की जो सड़क बन गई है, अरे मेरे भाइयों, लोगों को इसकी कल्पना नहीं हो 104 किलोमीटर की 8 लेन की सड़क जो लखनऊ के चारों तरफ बन रही है, ट्रैफिक की समस्या का समाधान तो लखनऊ में होगा ही, लेकिन लखनऊ के 1-1 इंच जमीन की कीमत हिंदुस्तान में कितनी बढ़ जाएगी शायद अभी लोगों को इसकी कल्पना नहीं है। और उसके अतिरिक्त गोमती नगर का जो स्टेशन बन रहा है, काम चल रहा है, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, यह विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन हमारा गोमती नगर बन जाएगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर लोक भवन में उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अटल जी का उत्तर प्रदेश से बड़ा जुड़ाव था। अटल जी ने लंबे समय तक देश के लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में काम किया। जिस सजगता के साथ उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन जिया वह सभी जनप्रतिनिधियों व नागरिकों के लिए अनुकरणीय है। अटल जी का मानना था कि सिद्धांतहीन राजनीति मौत के फंदे जैसी होती है। उन्होंने कहा कि अटल जी की बातें आगे आने वाले कालखंड में भी अनुकरणीय रहेंगी। हमारी सरकार अटल जी की जयंती को सुशासन दिवस के तौर पर मना रही है। उन्होंने कहा कि अटल जी की 21 मीटर की मूर्ति लोक भवन में लगाई जाएगी। 25 दिसंबर की तिथि पहली बार होगा जब अटल जी भौतिक देह से अपने जन्म जयंती कार्यक्रम के अवसर पर देशवासियों के साथ नहीं होंगे। तो इस अवसर पर यह दिवस कैसे मनाया जाए, राष्ट्रीय स्तर पर भी, प्रदेश स्तर पर भी, हम लोगों ने निर्णय लिया कि सुशासन दिवस, देश के अंदर आजादी के बाद सुशासन की जो सुदृढ़ नींव अटल जी ने रखी, उस नाम पर इस दिवस को मनाया जाए। और सुशासन दिवस के इस कार्यक्रम के साथ हम लोगों ने निर्णय लिए कि मुख्य समारोह इस भवन में होगा। यह मुख्यमंत्री का कार्यालय भी है, यहां पर हमारे कैबिनेट की बैठकें भी संपन्न होती हैं, सरकार के सरकारी कार्यक्रम भी सभागार में संपन्न होते हैं। और मैं आभारी हूं आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, अपने गवर्नर साहब का और विधानसभा के अपने माननीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से इसकी गरिमा को बढ़ाया है। इसलिए भी बढ़ाया है क्योंकि जहां पर हम लोगों ने पुष्पांजलि आज की है अटल जी को, वहीं पर अटल जी की 21 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। इसका हम लोग पहले ही ऑर्डर भी दे चुके हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिड़ियाघर का निरीक्षण कर प्रगति की जानकारी ली और तेजी से कार्य पूरा कर चिड़ियाघर दर्शकों के लिए खोलने हेतु हर स्तर की तैयारी करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। उसके बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि यह प्राणी उद्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सौगात है, जिससे बच्चों को पशु पक्षियों के बारे में जानकारी मिलेगी और प्रकृति और पर्यावरण से लोग जुड़ेंगे। ये प्राणी उद्यान इसमें सहायक सिद्ध होगा। प्राणी उद्यान में 35 एनिमल और 200 प्रजातियों के पशु पक्षी शामिल होंगे। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल, बिहार से जुड़े पशु पक्षियों को इसमें शामिल किया जाएगा। इस प्राणी उद्यान को जनता को समर्पित करने के लिए जून 2019 में हमारी योजना है, इसलिए मैंने इस प्राणी उद्यान का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि इसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। यहाँ पे जीव रखे जाएंगे,
उनके लिए स्पेस पर्याप्त है। ध्यान, यह कार्य समय पर हो सके और गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को इस प्राणी उद्यान का लाभ मिल सके, मनोरंजन के लिए, बच्चों के ज्ञानवर्धन के लिए भी, इस सृष्टि के जीव जंतुओं के बारे में उन्हें जानकारी मिल सके, मनोरंजन का उनके पास एक अच्छा साधन हो सके, इस दृष्टि से इस कार्य को आगे बढ़ाने की दृष्टि से हमारी सरकार ने इसको प्राथमिकता पे लिया है। इसमें हम लोगों ने जो एनिमल्स की 35 वैरायटी हैं उनको रखने की एक व्यवस्था इस जो मैं करने का प्रयास है। लगभग 200 के आसपास पशु पक्षियां यहां पर रखे जाएंगे। स्वाभाविक रूप से प्रकृति के प्रति आम नागरिक की जिज्ञासा और प्रकृति के हम अधिकाधिक नजदीक जाकर के इस अपने जगत को कितना वह सुंदर है, किस किस प्रकार के जीव और जंतु इसमें हैं, इनके प्रति जागरूकता आम नागरिक को प्रकृति के और नजदीक लेकर के जाएगी। इसके संरक्षण की दृष्टि से लोगों में एक जागरूकता पैदा या प्राणी उद्यान कर पाएगा, इसके कार्य को तेजी से करने के लिए ही और इस पर विशेष फोकस करने के लिए आज यहाँ का निरीक्षण करने के लिए मैं स्वयं आया हूँ। सिद्धार्थनगर जिले को कल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 479 करोड़ रुपए की 77 परियोजनाओं की सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सभी को मेडिकल कॉलेज की बधाई और ये विकास की परियोजनाएं पूरे क्षेत्र में खुशहाली लाएंगी। आपके पास आने वाले समय में 2 वर्ष के दौरान आपको यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज मिलेगा। मेडिकल कॉलेज में बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्वास्थ्य सुविधा के साथ ही यहाँ के नौजवानों को, जो छात्र हैं, जो मेडिकल के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक स्थान प्राप्त होगा। और यहाँ पर भी हम अच्छे चिकित्सक सिद्धार्थनगर से इस मेडिकल कॉलेज से दे सकते हैं। इस विश्वास के साथ आज मैं आपके बीच यहाँ पर आया हूँ। मित्रों, सिद्धार्थनगर भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी की यह जन्म भूमि और कर्म भूमि भी रही है, और इसलिए मैं इस मेडिकल कॉलेज को स्वर्गीय माधव बाबू के नाम पर समर्पित कर रहा हूं। इस मेडिकल कॉलेज को स्वर्गीय माधव प्रसाद त्रिपाठी के नाम पर जाना जाएगा और उन्हें समर्पित करते मेडिकल कॉलेज में उनकी प्रतिमा को भी लगाने का कार्य भी हमारी सरकार करेगी। प्रदेश सरकार द्वारा इन्वेस्टर्स समिट में 300 करोड़ रुपए के विनियोजित करने का प्रस्ताव हरदोई में रिकॉर्ड 11 माह के समय में चीनी मिल के रूप में धरातल पर उतरा है। हरियामा चीनी मिल के विस्तारीकरण का कार्य पूरा हुआ। हरदोई के अपर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने हवन में पूर्ण आहुति देकर इस मिल के मंगल भविष्य की कामना की। डीसीएम श्रीराम के अधिशासी निदेशक रोशन लाल टामक ने बताया कि इस मिल की पेराई क्षमता 5000 टन प्रति दिन है। इस चीनी मिल के बन जाने से इस क्षेत्र के किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इस वर्ष किसानों के गन्ने की अधिकता की वजह से उनके माथे पर गन्ने को बेचने और समय से भुगतान प्राप्त करने की चिंता बनी हुई थी। इस मिल के बन जाने से जहां एक ओर किसानों को समय से गन्ने की बिक्री कर अपने गन्ने का मूल्य समय से प्राप्त होगा, वहीं मिल को आर्थिक लाभ भी होगा। दूसरी ओर क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी लोगों को उपलब्ध होंगे। इस नई चीनी मिल में रिफाइंड शुगर का उत्पादन होगा और 30 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा, जिससे क्षेत्र की बिजली समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी। इस नई मिल से उत्पादित बिना सल्फर वाली रिफाइंड शुगर बनाई जाएगी और मिल इसका विदेशों में निर्यात भी करेगी। स्वास्थ्य के लिए इसे बहुत लाभदायक माना जाता है। दूसरी ओर इस चीनी मिल में बनने वाले शीरे से डीजल और पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल का भी उत्पादन होगा। ये चीनी मिल एक रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार की गई है। ये जो हरियावा चीनी मिल का विस्तारीकरण हुआ है, इसकी वजह से मिल की पेराई क्षमता बढ़ी है, जिसका पूरा का पूरा फायदा किसान को ही होगा, क्योंकि हम लोग का गन्ना जल्दी से बिक पाएगा। और क्योंकि गन्ना जल्दी से बिकेगा, इसका भुगतान भी मिल पहले भी समय से करती आई है, और क्योंकि अब और विस्तारीकरण हो गया है तो अब और जल्दी भुगतान मिल इसका कर पाएगी। जैसा कि आपको जानकारी है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2018 में एक इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया था,
उस इन्वेस्टर समिट में हमारे द्वारा एक MOU साइन किया गया था, इसमें हरियाणा चीनी मिल की क्षमता का विस्तारीकरण का भी एक प्रोजेक्ट था। हरियाणा चीनी मिल का 5000 TCD यानी कि 50,000 प्रतिदिन की कैपेसिटी बढ़ा करके विस्तारीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रयागराज आगामी कुंभ मेले के लिए श्रद्धालुओं और अन्य आगंतुकों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त तंबुओं की नगरी बनाई जा रही है। माघ मेले के सेक्टर 20 में बन रहे इस स्टंट सिटी में कुल 1200 बनाए जा रहे हैं, जिसमें तीन तरह के कॉटेज मौजूद रहेंगे। इस कॉटेज की बुकिंग आने वाले समय में यात्री ऑनलाइन के माध्यम से भी कर सकेंगे। इन कॉटेज में आधुनिक सुविधाएं, AC, वॉशरूम, TV, फ्रिज, इंटरनेट की वाईफाई सुविधा सहित तमाम आधुनिक चीजों से लैस होगी। साथ ही यहां पर एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाया जा रहा है, जहां पर चर्चाएं आयोजित होंगी। कुंभ मेले को और खूबसूरत बनाने के लिए इस बार मेले में डेंसिटी का अनोखा प्रयोग किया जा रहा है। इसको लेकर मेला के प्रशासन काफी उत्साहित है। साथ ही सरकार की मंशा है कि दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं यहां पर लग्जरी टेंटों में रहना चाहेंगे, उनके लिए ये सुविधा मेले में उपस्थित रहेगी। हमारे विदेश से प्रवासी भारतीय आ रहे हैं, वाराणसी में उसका सम्मेलन हो रहा है प्रवासी भारतीयों का, उससे प्रवासी भारतीय हमारे कुंभ मेला का दर्शन करने आएंगे, कुंभ मेला क्षेत्र को देखने आएंगे, उसके लिए उनके ठहरने की व्यवस्था की जाए। विदेशी लोग जो आते हैं उनके ठहरने की एक अच्छी उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही जो हमारे देश के भी लग्जरी और प्रीमियम में रुकना चाहते हैं उनके लिए अच्छी सी व्यवस्था दी जाए, तो सुव्यवस्थित रहने के लिए उनकी एक अच्छा प्रीमियम टेंटेज की व्यवस्था की गई है टेंट सिटी में, ये सेक्टर 20 में बनाई जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही 20 रुपए के नए नोट लॉन्च करने की तैयारी में है। इस नए नोट में वर्तमान चलन के 20 रुपए के नोट से अलग फीचर्स होंगे, यानी नए साल में आपके हाथों में 20 रुपए का नया नोट होगा। नए नोट के जारी होने के साथ ही पुराने नोट भी चलन में बने रहेंगे। आपको बता दें कि 10, 50, 100, 200, 500 और 2000 रुपए के नोट को पहले ही नए रंग के रूप में पेश किया गया है। उन्नाव जिले में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सौभाग्य योजना के लाभार्थियों को विधानसभा अध्यक्ष ने प्रमाण पत्र वितरित किए। बीघापुर तहसील के मधुकरखेड़ा गांव में 100% विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने आज देर शाम मधुकरखेड़ा गांव पहुंचकर योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। समारोह को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सौभाग्य योजना का शुभारंभ उन्नाव जनपद से ही हुआ था और यह सौभाग्य की बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पूरा जनपद सौभाग्य योजना से पूरा हो गया है। बीघापुर तहसील के मधुकरखेड़ा में आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सौभाग्य योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। विधानसभा अध्यक्ष ने लाभार्थियों को इस योजना से एक नई रोशनी की उन्हें किरण मिली है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने इस योजना का शुभारंभ इसी विधानसभा क्षेत्र में बीघापुर में किया था सौभाग्य योजना के नाम से, और इस योजना के अंतर्गत पूरे जिले का विद्युतीकरण चल रहा था। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जो गरीब है और कनेक्शन चाहता है उनको कनेक्शन देने का काम चल रहा था। आज इस गाँव में अद्भुत काम हुआ है कि 80 परिवारों के इस गाँव में 65 लोगों को कनेक्शन दिए गए हैं और आज उन्नाव जिला हमारा पूरी तौर पर सौभाग्य योजना के अंतर्गत संतृप्त हो गया है। आगे जो लोग कनेक्शन मांगते रहेंगे उनको भी मिलेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी की घोषणा, सरकार की घोषणा, यह आज अंतिम रूप में सफल हो गई है और मैंने स्वयं इसकी घोषणा भी की है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोगीबील में ब्रह्मपुत्र नदी पर देश के सबसे लंबे रेल और सड़क सेतु को राष्ट्र को किया समर्पित। इस पुल से असम और अरुणाचल प्रदेश की सैकड़ों किलोमीटर की दूरी होगी कम। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 16 ठिकानों पर NIA की छापेमारी। इस्लामिक स्टेट के मॉड्यूल हरकतुल हरबे इस्लाम के मामले में अमरोहा में 3 संदिग्धों से की जा रही है पूछताछ। आगरा के चर्चित संजरी हत्याकांड के मामले का खुलासा। पुलिस ने वारदात में शामिल 2 सगे संबंधियों को किया गिरफ्तार।
और सिनेमा के स्टार चित्रांगदा के पति इंटरनेशनल गोल्फ शूटर ज्योति सिंह रंधावा बहराइच के कतरनिया वन क्षेत्र में जंगली जानवरों का शिकार करते हुए गिरफ्तार। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।